परीक्षण करके देखे 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 का 3। सवाल है ए एक्स प्लस बी वाई बटा में ए बराबर बी एक्स माइनस ए वाई बटा में बी होने से देखा है कि प्रत्येक अनुपात एक्स के समान होगा। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसको लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे, यहाँ बी है यहाँ पर बी ए है, तो ऊपर नीचे ए से गुना कर देंगे और इसमें ऊपर नीचे बी से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पहले कि दोनों पक्षों में प्रथम और द्वितीय पक्ष में ए बटा में ए और बी बटा में बी से गुना करने पर। अब क्या करेंगे, प्रथम पक्ष में ए बटा ए से गुना करेंगे और द्वितीय में बी बटा बी से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए इसमें गुना करेंगे ए से, तो ए स्क्वायर, अच्छा एक मिनट इसको लिख देते हैं पहले, ए एक्स प्लस बी वाई बटा में ए गुना ए बटा ए बराबर बी एक्स माइनस ए वाई बी गुना बी बटा में बी, ऐसे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ये इसको कट सकता है लेकिन काटना नहीं है, गुना कर देना। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, नीचे मिलेगा हमारा ए स्क्वायर, और इधर गुना करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बटा में बी स्क्वायर। इसको गुना क्यों किए हम यहाँ पता चल जाएगा। देखिए अगर हम इसको गुना करें तो हमारा ए बी वाई इसमें ही मिल रहा है, ए बी वाई इसमें ही मिल रहा है यहाँ पर, और उसके बाद काटने में सुविधा होगा, वही बस ऐसा ही। अब क्या करेंगे, हम प्रत्येक अनुपात का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, दोनों का योग कर देंगे। तो प्रत्येक अनुपात कैसे निकालेंगे, दोनों का संयोग कर देंगे, मतलब योग, नीचे नीचे ऊपर ऊपर योग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से इधर जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस ए बी वाई। कैसे किए, संयोग से, संयोजन, संयोजन, संयोजन से मतलब योग करके, संयोजन प्रक्रिया, प्रक्रिया। अब क्या करेंगे, जोड़ दिए तो ए ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, नीचे आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स कॉमन तो ऊपर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल इक्वल टू एक्स। क्या सवाल में बोला था कि प्रत्येक अनुपात एक्स के बराबर होगा, तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ये हो गया प्रमाणित।